हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो कि जेवी का हमारा पहला पेपर है, उसी के यूनिट 45 को आज हम डिस्कस करेंगे। ये मॉड्यूल डी का यूनिट 45 और ये आपका लास्ट चैप्टर है आपका इंडियन इकोनॉमी वाले चैप्टर में। और इसमें ये जो चैप्टर है इसका नाम है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं REIT एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में क्या होता है कि ट्रस्ट की फॉर्म में इसको सेटअप किया जाता है। जैसे रियल इस्टेट में क्या हो गया कि कोई रेजिडेंशियल्स, कोई घर है मान लीजिए, ठीक है, रेजिडेंशियल्स हाउस हो गया, या कोई शॉप हो गई या शॉपिंग मॉल हो गए, और इनकी जो इस तरह की चीज़ों को खरीदा जाता है और ये खरीदा भी जाता है, और कई बार ये मॉर्गेज बेसिस पे भी रहता है। और उसके बाद इनसे रेंट कलेक्ट की जाती है। जैसे मान लीजिए आपने लीज करा ली किसी शॉप की या किसी रेजिडेंशियल हाउस की, तो आपको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। तो जो रेंट मिलेगा, जो भी इसके यूनिट होल्डर्स होंगे, जो उसके शेयर, ये जो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मतलब ये टाइप का म्यूचुअल फंड ही होता है, इसमें लोगों से पैसे को इकट्ठा किया जाता है। और म्यूचुअल फंड में क्या, आप कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया या फिर इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया, डेब्ट में इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है। लेकिन ये जो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये भी एक टाइप का म्यूचुअल फंड है, बट इसमें और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है कि म्यूचुअल फंड में ज्यादातर गोल्ड, इक्विटी, डेब्ट, बॉन्ड इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट किया जाता है, और यहाँ पर रियल इस्टेट वाली चीज़ों में इन्वेस्ट किया जाता है। रियल इस्टेट में जैसे आपका घर आ गया, कोई रेजिडेंशियल हाउस, कमर्शियल बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल हो गया कोई, ठीक है, या कोई हॉस्पिटल्स का कोई बिल्डिंग, इस तरह की जो चीज़ आएंगी उस तरह की चीज़ों में यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है। और फिर वहाँ पे उनसे रेंट इकट्ठा किया जाता है, और रेंट इकट्ठा करने के बाद रेंट या किसी भी फॉर्म में जो आपकी इनकम जनरेट होती है उसको एज अ डिविडेंड पे कर दिया जाता है जो भी इसके यूनिट होल्डर होते हैं। जो जैसे म्यूचुअल फंड होता है तो उसमें जितना म्यूचुअल फंड होगा तो उसको यूनिट के टर्म में मेजर किया जाता है ना, इसमें भी वैसे ही होता है। वो जो यूनिट होल्डर होते हैं इससे जो इनकम जनरेट होती है वहाँ पे इसको इन्वेस्ट किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी कुछ इसी तरह से होता है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे आपकी रोड हो गई, सड़कें, रोड सड़कें एक ही हो गया आपका, और जैसे कि पोर्ट्स हो गए, हाईवे हो गए, ठीक है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उन सब में, ये जो लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट होते हैं उन सब में जो है इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो वो होता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसी का बहुत डिटेल में आपका दिया हुआ, वही सब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव का हमने डिस्कशन कर लिया। इस चैप्टर में हम रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी हेल्प से कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, आप, हम, कोई भी इन्वेस्टर्स जो है रियल इस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकता है इन ए मैनेजेबल मैनर। मतलब मान लीजिए अभी आपको रियल इस्टेट में कहीं इन्वेस्ट करना है, अगर आप खुद से कोई घर खरीदते हैं तो फिर आपको कम से कम 1 करोड़, अगर अच्छा घर आप बोलिए अच्छे एरिया में, तो काफ़ी महंगा होता है। बट अगर आप इसके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें सभी लोग थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड में होता है, उस पैसे को इकट्ठा करके फिर ये लोग एक प्रोजेक्ट में कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कोई मान लीजिए कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग ले ली या कोई शॉपिंग मॉल में कोई दुकान ले लिया, ठीक है, और फिर उस पैसे से जो इनकम जनरेट होती है उस इनकम को क्या करते हैं, एज अ डिविडेंड जो है इसके यूनिट होल्डर में बांट दिया जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है, तो मैनेजमेंट में ये सारा कुछ काम करता है। इस चैप्टर में इसी का पूरा डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। इंट्रोडक्शन से आता है आपका यहाँ पे, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और स्टॉक मार्केट लिक्विड इन्वेस्टमेंट, मतलब ये भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है और ये लिस्टेड इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब इनको प्रॉपर लिस्टिंग किया जाता है। दैट अलाउ इन्वेस्टर्स एक्सपोजर टू रियल एस्टेट। तो जो इन्वेस्टर्स है जो रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड है तो वो इसकी हेल्प से जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू परचेज और मैनेज प्रॉपर्टीज। तो उनको घर खरीदने का या कोई प्रॉपर्टी खरीदने का जरूरत नहीं है खुद से। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है, ये एक तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स वो पैसे को इकट्ठा करेंगे, ठीक है, एंड एसेट्स आर मैनेज बाय डेसिग्नेटेड पर्सन। फिर वो सारे लोग पैसे इकट्ठा करेंगे और एक पर्सन को देंगे कि आप इस पैसे को मैनेज करो। बट ये किसका स्टोरी है, म्यूचुअल फंड का स्टोरी। म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है कि कई सारे लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और पैसा इकट्ठा करने के बाद एक पर्सन को दिया कि इस पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करो। फिर वो जो पर्सन होता है जिसको आप फंड मैनेजर भी बोलते हैं, फंड मैनेजर, तो उसका काम है ये जो पैसा आप सभी लोगों से इकट्ठा किया था उसको मैनेज करना। तो उसको मार्केट का ज़्यादा अच्छा नॉलेज है, कहीं कुछ पैसा उसने शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ डेब्ट में, कुछ गोल्ड में, ठीक है, अलग अलग जगह उसने इन्वेस्ट किया। तो ये हमारा म्यूचुअल फंड का स्टोरी है। और जो म्यूचुअल फंड है उसमें ज्यादातर इक्विटी मतलब शेयर्स, डेब्ट, गोल्ड या इन सब के कॉम्बिनेशन में जैसे हाइब्रिड होता है वहां पे जो इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करें तो इसमें जो रियल स्टेट है उन्हीं में आपको किया जाएगा लोन सिक्योर्ड बाय रियल स्टेट। तो रियल स्टेट में ही जो है इन्वेस्ट किया जाता है, और ये भी लिस्टेड होता है। जो आप इसमें, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड है वो क्या होता है, लिस्टेड इन्वेस्टमेंट होते हैं, जिससे जो है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी जैसे कि रोड, पोर्ट्स, हाईवे, उस तरह की चीज़ों में जो है इन्वेस्ट किया जाता है इन्वेस्टर्स के पैसे को। व्हेन ए कंपनी एग्री टू फॉर्मुलेट द ट्रस्ट इट बिकम्स स्पॉन्सर फॉर द ट्रस्ट एंड अपॉइंटेड ट्रस्टी। तो ये जो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ये किसके द्वारा, एक कंपनी होती है रियल स्टेट, तो वो जो है ट्रस्ट को अपॉइंट करती है
और ट्रस्ट बनाती है, मतलब उसको स्पॉन्सर करती है और फिर एक ट्रस्टी को अपॉइंट करती है, और फिर जो ट्रस्टी होगा वो उस असेट्स को अपनी ट्रस्टीशिप रिलेशनशिप में उन असेट्स को रखेगा, और फिर एंड सच असेट्स आर नो लॉन्गर कंट्रोल बाय, तो अब स्पॉन्सर्स ने ट्रस्टी बना दिया, तो अब ट्रस्टी के कंट्रोल में, स्पॉन्सर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में वो नहीं है। और कई सारी कंपनीज जो है, ऑर्गेनाइजेशंस जो है, इस तरह से अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इस तरह की चीज़ों में जो है इन्वेस्ट करती है। सो उसमें बिल्कुल सिंपल सा एक ही लॉजिक है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये भी एक टाइप के म्यूचुअल फंड है, बस इसमें और म्यूचुअल फंड में फ़र्क इतना है, म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर बॉन्ड में, शेयर्स में या गोल्ड में या इन सब के हाइब्रिड, मतलब इनके मिक्स किसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, वो है म्यूचुअल फंड। ये भी बिल्कुल वैसे ही, बस फर्क इतना है यहाँ पे रियल एस्टेट चीज़ों में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि अगर हम REIT की बात करें, तो जैसे कोई शॉप हो गई, कोई शॉप लोगों से पैसा इकट्ठा किया और उस पैसे से कोई शॉप खरीद ली, फिर जो शॉप का रेंट आएगा वो लोगों में बांट दिया जाएगा, या सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया उससे कई शॉपिंग मॉल में कोई दुकान खरीद ली, ठीक है, खरीद, इसमें खरीदा भी जाता है, खरीद ली और खरीदने के बाद फिर उस दुकान से जो आपको रेंट मिलेगा वो रेंट आपस में बांट लिया, ठीक है। इस तरह से जो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट काम करता है। अभी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वो आएगा इसके बाद, पहले इसको पूरा डिटेल में देखेंगे, जब आएगा तब उसको शुरू करेंगे। अभी यहाँ पे पूरा जो डिटेल है हम REIT यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो काफ़ी आइडिया में लग गया इसमें हो गया रहा। चार पांच दोस्तों ने पैसे जमा किए और एक दुकान खरीद ली, फिर जो दुकान खरीदी उन्होंने वो जो दुकान का रेंट आ रहा है आपस में लोग बांट रहे, इस तरह से होगा, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर लिस्टेड होगा, लिस्टेड होगा यानी कि जो सेबी है प्रॉपर इसको रेगुलेट करेगी, ताकि किसी टाइप का फ्रॉड या इस तरह की कोई एक्टिविटीज में ना हो। व्हाट आर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो फिर से इसके बारे में बात की गई है कि जो इंडियंस हैं वो किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और उसके लिए उनको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, या तो खुद के यूज़ के लिए करते हैं, या फिर कुछ इंडियंस ऐसे भी होते हैं कि वो कुछ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड होते हैं, या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे कोई शॉप्स हो गई, ठीक है, कोई शेयर्स, मतलब कोई दुकान या कोई शॉप, इस तरह की चीज़ों में वो लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन इनका जो टिकट साइज है, मतलब इनको आप खरीदेंगे कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल अच्छे इलाके की प्रॉपर्टी, तो ये 1 करोड़ या उससे ज़्यादा आपको महंगा पड़ सकता है, अगर आप मेट्रो या टियर वन सिटीज़ की बात करें, ठीक है, ये बहुत कॉस्टली हो जाता है। और इससे बचने का क्या तरीका है, ठीक है, और इसमें जो इन्वेस्ट होता है तो मतलब ज़्यादातर लॉन्ग टर्म होता है, जैसे आपने किराए पे किसी को रखा, फिर टाइम पे कोई आया, मतलब टाइम पे आपको पेमेंट मिल रही नहीं मिल रही, तो काम काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। लीज भी आपको चाहिए होती है, लॉन्ग टर्म लीज आपको लगानी है, और मतलब काफ़ी सारे इसमें इश्यूज होते हैं। देयर इज अनदर वे टू गेट एक्सपोजर, लेकिन इसका एक और भी तरीका है कि आप रियल स्टेट में आपका पैसा भी इन्वेस्ट होगा और आपको बदले में ये जो इतना सारा जो टेंशन है वो सब भी नहीं होगा। तो इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी स्टॉक ऑफ लिस्टेड रियल स्टेट, तो जो रियल स्टेट कंपनीज है वो अपने स्टॉक लिस्ट करती है, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह की कंपनीज जो होती है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करें तो उसमें आपको मार्केट रिस्क हो सकता है, मतलब मार्केट के हिसाब से उनका रेट जाता है और उसमें आपको मार्केट रिस्क होता है। तो इससे बचने का एक और तरीका है, ए वाइबल सॉल्यूशन टू दिस सिचुएशन इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो मतलब आप चाहते हैं कि एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट का हमें ऑप्शन मिले जहाँ पे हमें किसी टाइप का मार्केट रिस्क भी ना झेलना पड़े, प्लस जहाँ पे हमारा पैसा भी कम लगे, जैसे कोई आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं अच्छे रहे में, 1 करोड़ इतना ज़्यादा पैसा नहीं है आपके पास, आप चाहते हैं कि दोनों से बचे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए आ जाता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और इसमें क्या होता है कि इसमें भी पैसे को इकट्ठा किया जाता है इन्वेस्टर से, पूल पैसे इकट्ठा किया जाता है जैसे कि म्यूचुअल फंड में होता है, और उस पैसे को जो जमा किया हुआ है तो उसको यूज़ किया जाएगा टू बाय ए पोर्टफोलियो ऑफ रियल एस्टेट एसेट्स। तो उस पैसे से, जैसे मैंने बोला ना, चार पांच लोगों ने पैसे जमा किए, दोस्तों ने, और कोई दुकान खरीद ली, फिर उसका जो रेंट है आपस में लोग बांट रहे, तो सेम काम यहाँ पर भी वही होता है, म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। और रियल एस्टेट वाले असेट्स में उस पैसे को इस्तेमाल किया जाता है, कोई रियल एसेट खरीद लिया और फिर जो है दे मैनेज दिस असेट्स टू जनरेट रेगुलर इनकम, तो वो जो असेट्स होंगे उससे एक रेगुलर इनकम आपकी आती रहेगी। एंड कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन कैसे बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी आपने एक दुकान, सभी 10 दोस्तों ने मान लीजिए 10 10 लाख रुपए जमा करके एक दुकान खरीदी, कितना हो गया 1 करोड़, तो हमेशा वो वैल्यू दुकान का 1 करोड़ नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए अभी आज आपने खरीदी, तो आपको 10 लोगों ने खरीदी, तो मान लीजिए उनके पास सबके पास 1 1 यूनिट है, ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10 1 करोड़, 10 लाख। अभी क्या होगा, 5 साल बाद वो जो दुकान है उसका रेट बढ़ जाएगा, क्या पता वो 1 करोड़ के बंदे कितनी होगी, 2 करोड़ हो गई, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 करोड़ हो गई, तो जिस जिसने यूनिट होल्डर ने जिसके पास 1 यूनिट थी तो उसकी वैल्यू थी 10 लाख, अब उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 यूनिट की, वो हो गई 20 लाख, तो यानी उसका रेट भी बढ़ता है, तो यानी जो कैपिटल आपके पास है यूनिट की फॉर्म में उसका एप्रिसिएशन भी होगा, वो रेट भी बढ़ेगा, तो दो फायदे, तो इनकम भी मिल रही है प्लस उसमें हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन भी हमें देखने को मिल रहा है। और
एक और चीज कि रियल एस्टेट जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में जो इन्वेस्ट किया गया वो अच्छे से इनकम जनरेट करे, तो उसमें क्या होता है कि जो 80% ऑफ पोर्टफोलियो है ना, तो उसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है जो कि कंप्लीट या रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टीज है। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी नहीं कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा हो जिसमें कोई रेंट नहीं आएगी। तो जो 80% जो पैसा जमा किया, मान लीजिए 10 लोगों से पैसा जमा किया वो के 100 रुपए एग्जाम्पल, तो 100 का 80% कितना होगा 80 रुपए। तो 80 रुपए को ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाएगा जो ऑलरेडी कंप्लीट प्रॉपर्टी होगी और जो रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टी, मतलब या तो वहाँ उसको कोई दुकान है किसी एरिया में, मतलब रेंट जनरेटिंग या कंप्लीट प्रॉपर्टी होगी, अंडर कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में नहीं किया जाता। 80% तक का पैसा ऐसी जगह किया जाएगा जो कंप्लीट और रेंट जनरेटिंग होगी, ताकि जो है इनकम मिलती रहे और आपस में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। और रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, कोई रेजिडेंशियल, कोई अच्छे एरिया में कोई मकान, ठीक है, या कोई ऑफिस, या कोई होटल्स, कोई मॉल्स हो गए, वेयर हाउस, तो इतनी सारी जगहों में से, इतनी सारे में से कोई भी चीज़ उसमें खरीदी जाती है। या फिर अगर हम इंडिया की बात करें तो ज़्यादातर जो लिस्टेड आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वो ज़्यादातर ऑफिस स्पेस में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। मतलब ऑफिस रेंट पे दे दिया तो वो कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म तो चलेगा ही, इस तरह से ज़्यादा ये किया जाता है। हिस्ट्री, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो जब म्यूचुअल फंड पहली बार इंट्रोड्यूस किया था यूएसए में, कब, 1960 में, ठीक है, तो तभी से इसका शुरुआत हो गया था। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कब ये हुआ था, तो इंडिया में हुआ था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड सेबी ने 2007 में इसको जो है लागू किया था। और ये जो 1960 में जब यूएस में पहली बार लागू किया गया था, तो जो सिगार एक्साइज टैक्स सेक्शन एक्ट के तहत इसको पहली बार जो है रियल एस्टेट का बूस्टअप हो, उसमें ग्रोथ हो, तो उसी पर्पज के लिए इसको शुरू किया गया था। इंडिया में सेबी इसको 2007 में लेके आया था, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स आफ्टर दे बर्थ। तो पहली बार जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उसके ऑलमोस्ट आप काउंट कर लीजिए 50 साल, क्योंकि 40 से 60 से यहाँ पे 40 साल हो गए और यहाँ पे 2007, तो आप बोल सकते हैं कि अप्रोक्स 50 साल बाद जब पहली बार ये शुरू हुआ था उसके 50 साल बाद इंडिया में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। 2007 में इसकी पहली जो है पहली बार इसको इस्टेब्लिश किया था इंडिया में 2017 में, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस तो किया था, पर अगर पहला आईपीओ की बात करें तो आईपीओ उसका मार्च 2018 में आया था, ठीक है। और पहली बार इंडिया में शुरुआत तो ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल की फॉर्म में शुरू हुए थे, लेकिन अगर हम पहले REIT की बात करें तो 2017 में इसको स्टैब्लिश किया था और उसका आईपीओ आया था मार्च 2018। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें लोगों को बोला जाएगा कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, और उसको लेके फिर रेगुलेशंस बनाए गए थे कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और सेबी जो है टाइम टू टाइम उसको रेगुलेट और मॉनिटर करता है कि किस तरह से REIT यानी रिटेल इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्ट है आपका, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनी किस तरह से काम कर रही है, तो प्रॉपर जो है सेबी इसको मॉनिटर करता है। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि कौन इसको रेगुलेट करता है, तो जैसे म्यूचुअल फंड है वैसे ये भी है, तो सेबी ही इसको रेगुलेट करती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो ये भी बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं, और इसमें भी वैसे ही होता है कि मल्टीपल इन्वेस्टर्स का पैसे को जमा किया जाता है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, और असेट्स आर प्रोफेशनली मैनेज बाय, और वो जो पैसा जमा किया गया तो उसके लिए प्रॉपर एक फंड मैनेजर होगा जो कि फंड को मैनेज करेगा, ठीक है। और इसमें जो म्यूचुअल फंड है उसमें पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, गोल्ड में, शेयर्स में, या फिर इसके कॉम्बिनेशन में, डेप्ट में, वहाँ पे इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर हम अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करें तो वहाँ पे पैसे को कहाँ पे क्या किया जाता है, रियल एस्टेट की चीज़ों में, जैसे कोई शॉप हो गया, ठीक है, शॉपिंग मॉल हो गया, कोई ऑफिस स्पेस हो गया, तो वैसे जगह पर इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। इसका पूरा मतलब किस तरह से काम करता है, तो पहले बार कोई भी जो रियल एस्टेट कंपनी होगी डिसाइड टू फॉर्म ए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एक कंपनी है रियल एस्टेट, उसने सोचा कि हम ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं, तो पहली बार क्या करेगी, इट बिकम द स्पॉन्सर्स फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड अपॉइंटेड ट्रस्टी। कोई कंपनी है, ये जो REIT क्या एक टाइप का ट्रस्टी तो है, रिटेल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। कोई कंपनी है जो कि REIT बनाना चाहती है, तो पहले वो क्या करेगी, ये जो कंपनी है ये स्पॉन्सर्स करेगी, स्पॉन्सर मतलब उसके लिए पेमेंट करेगी, और जो है ये ट्रस्ट अपॉइंट करेगी, ठीक है। ट्रस्ट जो ये REIT है तो उसको कौन संभालेगा, ट्रस्टी संभालेंगे ना, तो एक ट्रस्टी वो अपॉइंट करेगी, ठीक है, ये पहला स्टेप होगा। द ट्रस्टी होल्ड द रियल एस्टेट, तो जो उसके असेट्स हैं ट्रस्टी के पास रहेंगे, किसके असेट्स, जो REIT बनाए जा रहे हैं तो उसके असेट्स ट्रस्टी के पास रहेंगे, इन ट्रस्टीशिप एंड दिस असेट्स नो लॉन्गर डायरेक्टली कंट्रोल बाय स्पॉन्सर्स, तो स्पॉन्सर्स करेगी कंपनी, और ये किसके कंट्रोल में आ जाएंगे, जो भी असेट्स है वो ट्रस्टी के कंट्रोल आ जाएंगे, और वो जो स्पॉन्सर्स है, जो कंपनी ने स्पॉन्सर्स किए, तो उसके कंट्रोल में ये असेट्स नहीं रहेंगे। फिर इसके बाद बोले कि जो REIT है रिटेल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में कंट्रोल इट्स रियल इस्टेट डायरेक्टली और थ्रू फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर, तो ये जो ट्रस्ट बन गई है या तो इसको डायरेक्टली कंट्रोल करेगी, जो ट्रस्ट बन गई है या तो वो REIT इसको डायरेक्टली कंट्रोल करेगी, या फिर इनडायरेक्टली ये स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू भी जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दो तरीके, तो डायरेक्टली इसको कंट्रोल करेगी या फिर इनडायरेक्टली स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएगी जो कि इसको कंट्रोल करेगा, ठीक है।
और स्पेशल पर्पस व्हीकल के लिए क्या होना चाहिए, अगर कोई कंपनी चाहती है कि स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू वो उसको कंट्रोल करें, मतलब इनडायरेक्ट वे में, तो जो स्पेशल पर्पस व्हीकल ये क्या होगा, ये डोमेस्टिक कंपनी, ये भी कंपनी होगी दैट होल्ड रियल एस्टेट असेट्स ऑन बिहाफ ऑफ REIT, तो जो REIT के बिहाफ पे जो है इसके असेट्स को रखेगी, ठीक है। REIT के बिहाफ पे जो है ये SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल वाली जो कंपनी है ये इसको रखेगी, ठीक है। एंड एज पर रेगुलेशंस एंड द ट्रस्ट मस्ट होल्ड एटलीस्ट 50% ऑफ इक्विटी इन SPV, तो रेगुलेशंस के हिसाब से बोला है कि जो ट्रस्ट है इसको कम से कम 50% की जो होल्डिंग है SPV पे रखनी पड़ेगी। इस तरह से जो ये काम करता है। फिर जो ट्रस्टी है, क्योंकि ये जो स्पॉन्सर्स कंपनी है इसने ट्रस्ट अपॉइंट किया, जो ट्रस्टी है वो मैनेजर को अपॉइंट करेगी जो कि रियल एस्टेट के जो असेट्स है उसको मैनेज करने का काम करेगी और जो भी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिसीजन है वो लेगी। म्यूचुअल फंड में भी तो ऐसे ही होता है ना कि पैसे को इकट्ठा किया जाता है फिर एक फंड मैनेजर होता है, तो यहाँ पर भी वैसे ही होता है, एक मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है जो कि सारा चीज़ देखे कि कौन कौन सी, क्या कोई शॉपिंग मॉल में कोई दुकान खरीदनी है, कोई ऑफिस स्पेस खरीदना है या रेजिडेंशियल, तो ये सारा जो डिसीजन है ये मैनेजर के द्वारा लिया जाता है। आफ्टर मैनेजर इज अपॉइंट, मैनेजर भी अपॉइंट कर दिया अब ट्रस्टी ने, अब क्या होगा कि इसको रजिस्टर किया जाएगा, ठीक है। रजिस्टर किया जाएगा और जब रजिस्टर किया जाएगा तो वहाँ पूछ सकते हैं आपने कि आपका कौन मैनेजर है, कौन ट्रस्टी है, तो सारी इन्फॉर्मेशन पहले से होनी चाहिए। तो इसलिए जो है उसको ट्रस्टी अपॉइंट होने के बाद, सॉरी मैनेजर अपॉइंट होने के बाद ही उसको रजिस्टर किया जाता है। वंस रजिस्टर, एक बार रजिस्टर हो गई तो ये क्या कर सकती है, ये जनता से जो है पैसे ले सकती है यूनिट्स इशू करके, या तो वो पब्लिकली भी कर सकते हैं या स्टॉक एक्सचेंज में या फिर प्राइवेट इन्वेस्टर, तो किसी के भी थ्रू वो क्या कर सकती है, लोगों से पैसा आप ले सकती है। और जो भी यूनिट इसमें रिप्रेजेंट करता है REIT यूनिट, यूनिट एक तरह का शेयर बताता है, जो भी इनकम जनरेट होगी तो उसका शेयर होगा, जितना यूनिट आपके पास होगा उस हिसाब से आपको इसमें पेमेंट मिलेगा। इस तरह से काम करता है इसका जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, इसको यहाँ डायग्राम में दिखा रहा है कि REIT रिटेल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को स्टैब्लिश करने के लिए क्या होना चाहिए। एक तो ट्रस्टी, इसकी शुरुआत यहाँ से होगी, कोई कंपनी होगी जो कि ट्रस्ट को अपॉइंट करेगी, ठीक है। और इसमें जो स्पॉन्सर्स है, जो कंपनी स्पॉन्सर्स कर रही है, तो उसका 25% कम से कम कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, 75% जो जनता से पैसे जमा कर रही है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है। ये कंपनी है जिसने ट्रस्ट सेटअप किया और उसको उसने स्पॉन्सर्स किया, तो जो स्पॉन्सर्स है, जो कंपनी है, उसका कम से कम 25% कॉन्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए और बाकी का 75% वो जनता से, इन्वेस्टर से लेंगे, ठीक है। इस तरह से इस्टेब्लिश होगा। फिर REIT क्या करेगी, ये जो ये रिटेल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को कंपनी ने तो ट्रस्ट बनाया, ठीक है, तो ट्रस्टी को इस्टेब्लिश यहाँ पे किया, और फिर साथ में ये एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर भी देखेगी। ये मैनेजर का काम होगा डिसीजन लेना कि कहाँ पे जो है इसको इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। जो ट्रस्टी है तो खुद डायरेक्टली भी कंट्रोल कर सकती है या इनडायरेक्टली स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू भी कर सकती है। अगर ये स्पेशल पर्पस व्हीकल 1 या 2, मतलब एक से ज़्यादा, या ऐसे करके एक स्पेशल पर्पस व्हीकल या एक कंपनी के थ्रू या एक से ज़्यादा कंपनी के थ्रू जो है ये अपना कंट्रोल कर सकती है, और इसका कम से कम शेयर कितना होना चाहिए, 50%। जो ट्रस्ट अगर इसको स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू कंट्रोल करना चाह रही है तो कम से कम 50%, यानी 50% या उससे ज़्यादा का जो है शेयर इसका ट्रस्टी का होना चाहिए, दोनों ही केसेस में, चाहे वो स्पेशल पर्पस व्हीकल 1 2 कोई भी मतलब बना रही है। तो इसके हिसाब से आपका जो सेटअप है ऑर्गेनाइजेशन सेटअप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का, यहाँ पे इस तरह से काम करता है। यहाँ पे देखते हैं हिस्ट्री क्या हुआ था। शुरुआत USA में हुई थी 1960 के टाइम पे, और उस टाइम पे सिगार एक्साइज टैक्स एक्सटेंशन एक्ट था, तो उस टाइम पे जो है रियल एस्टेट को बूस्टअप करने के लिए इसको शुरू किया गया था। फिर इंडिया की अगर हम बात करें तो 2007 में पहली बार इसके बारे में इसको इनकॉर्पोरेट किया था इन्वेस्टमेंट व्हीकल के तौर पे, और पहली बार जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है इंडिया में 2017 में बनाया था। फिर मार्च 2018 में वो अपना IPO लेके आया था। फिर इसको कंट्रोल कौन करता है, सेबी इसको कंट्रोल करती है। फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन की बात की, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो इस वाले पैराग्राफ में तो यही बोला है कि म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं, लोगों से पैसे को इकट्ठा किया जाता है, लोगों से पैसे को इकट्ठा करके, अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहाँ पे डेब्ट, गोल्ड, इक्विटी या इस जगह पे जो है इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो यहाँ पे भी वही होता है कि पहले एक जो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है बनाने के लिए पहले हमें एक स्पॉन्सर्स चाहिए, ठीक है, और वो जो स्पॉन्सर्स है वो एक ट्रस्टी को अपॉइंट करेगा। फिर जो ट्रस्टी है या तो उसको डायरेक्टली कंट्रोल करेगी या इनडायरेक्टली जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू जो है उसको कंट्रोल करेगी, और जो ट्रस्टी है उसका कम से कम 50% तक का कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अगर वो स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू जो है कंट्रोल करना चाह रही है। और फिर जो ट्रस्टी है वो क्या करता है, वो मैनेजर को अपॉइंट करता है जो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को पूरा मैनेज करेगा, और मैनेजर एक बार अपॉइंट हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि उसको रजिस्टर किया जाता है, और एक बार अगर आपका REIT यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रजिस्टर हो गया तो जनता से वो यूनिट्स के बदले में जो है पैसे इकट्ठे कर सकता है, वो डायरेक्टली भी कर सकता है या प्राइवेट इन्वेस्टर्स के थ्रू या फिर स्टॉक मार्केट के थ्रू या पब्लिकली भी ऐसा काम कर सकता है। इसका जो डायग्राम है वो आपको दिया हुआ है यहाँ पे,
किस तरह से काम करता है, कोई कंपनी है वो स्पॉन्सर्स का काम करेगी और कम से कम 25% कंट्रीब्यूशन को उनको देना है, बाकी का 75% वो इन्वेस्टर से लेंगे, ठीक है, यूनिट्स उनको इश्यू किया जाएगा और बदले में इन्वेस्टर्स जो है उसमें इन्वेस्ट करेंगे। फिर आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में एक ट्रस्टी आपका होगा, ट्रस्टी का मेन इसमें जो रोल होगा वो क्या होगा, ये कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ट्रस्टी, और जो है मैनेजर को, फंड मैनेजर को अपॉइंट करना ट्रस्टी का काम है, और जैसे ही फंड मैनेजर अपॉइंट हो जाएगा तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए बात करेगी, ठीक है, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो जनता से पैसे ले सकती है। ट्रस्टी जो REIT को जो कंट्रोल करती है, या तो डायरेक्टली भी कंट्रोल कर सकती है खुद से, या इनडायरेक्ट वे भी कर सकती है। इनडायरेक्ट वे में कैसे कंट्रोल करेगी कि वो स्पेशल पर्पज व्हीकल के थ्रू करेगी, एक एक से ज़्यादा स्पेशल पर्पज व्हीकल के थ्रू जो है ट्रस्टी REIT को कंट्रोल करती है। स्पेशल पर्पज व्हीकल जो है SPV, ये क्या होता है, ये एक टाइप की कंपनी होती है, और इसमें जो ट्रस्टी है उसका कम से कम 50% का होल्डिंग होना चाहिए, कम से कम 50% शेयर होल्डिंग किसकी होनी चाहिए, ट्रस्टी की होनी चाहिए उस कंपनी में जिसको उन्होंने स्टैब्लिश किया है एज ए स्पेशल पर्पज व्हीकल। फिर स्पेशल पर्पज व्हीकल का कंट्रोल आ जाएगा इस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, और इनडायरेक्टली क्योंकि 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन ट्रस्टी के पास है, तो एक से इनडायरेक्ट कंट्रोल इसको कौन करके बैठी है, ट्रस्टी ही इसको इनडायरेक्ट कंट्रोल करके बैठी है। इस तरह से जो आपका REIT का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप काम करता है। बेनिफिट्स जो उसके स्पॉन्सर्स है, जो कंपनी है जिसने उसको स्पॉन्सर्स किया है, 25% है कितना भी स्पॉन्सरशिप दिया उस कंपनी को क्या बेनिफिट है, स्पॉन्सर्स के क्या बेनिफिट है, फिर हम देखेंगे इन्वेस्टर्स जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके क्या बेनिफिट है, ठीक है, इन दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो स्पॉन्सर्स है उसके बेनिफिट की बात करें तो जो है क्योंकि कंपनी ने उसको स्पॉन्सर्स किया है तो जो रेवेन्यू जनरेटिंग रियल इस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर जो असेट्स है वो मॉनिटाइज है। अब कंपनी के भी शेयर्स है, स्पॉन्सर्स है, तो उनको भी इसमें बेनिफिट होगा। लोअर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय टेकिंग द राइट सेटअप, तो इसमें जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया जाता है और जो है कैपिटल इसमें कम है, जस्ट 25%, एक छोटा अमाउंट उनको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, और एंजॉय फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट, तो कई सारी जगह पे उनको टैक्स में बेनिफिट मिलता है उस कंपनी को, ठीक है, इंक्लूडिंग एग्जम्पशन फ्रॉम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ कैपिटल, कोई कैपिटल गेन टैक्स है तो स्पॉन्सर्स को नहीं पे करना पड़ता, ठीक है, और डिविडेंड वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसके लिए भी उनको एग्जम्पशन मिल जाती है, तो स्पॉन्सर्स को कई सारे टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं। हैव डाइवर्स सोर्स ऑफ फंडिंग, तो जो उसका फंडिंग है, जो उन्होंने पैसे को लगाया है, तो अलग अलग जगह पे वो पैसा डाइवर्स हो जाता है, क्योंकि वो जो रियल स्टेट में क्या हो रहा है, एक जगह नहीं अलग अलग जगह पे रियल स्टेट की चीजों में, तो जो सोर्स ऑफ फंडिंग है वो अलग अलग इनकी होती है। वंस लिस्टेड प्रोवाइड रेगुलर सोर्स ऑफ कैपिटल टू सेक्टर्स, तो प्रॉपर जो है एक बार अगर आपका लिस्टेड हो गया तो इससे क्या होगा कि रेगुलर सोर्स आएगा कैपिटल का, मतलब आप जनता को यूनिट्स जो है सेल कर सकते हैं, बदले में आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है, तो अलग अलग आपके इसमें सोर्स आ जाएंगे, और इस ये सारे जो है स्पॉन्सर्स के इसमें बेनिफिट है। डाइवर्स सोर्स ऑफ फंडिंग, मतलब अलग अलग सोर्स से जो है फंडिंग को अपना इकट्ठा इसमें कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सारे जो है स्पॉन्सर्स के बेनिफिट है। ऐसे ही जो इन्वेस्टर्स हैं, आप हम कोई भी अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें क्या बेनिफिट होगा उसका देखते हैं। ये जो अगर आप इसमें रियल स्टेट में या इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं विदाउट एक्चुअली ओनिंग द असेट्स, हमने असेट्स को नहीं ऑन किया पर फिर भी हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, बेनिफिट फ्रॉम फेवरेबल टैक्स टर्म्स, तो कुछ चीज़ों में हमें टैक्स एग्जेप्शन मिलता है। अगर आप 3 साल से ज़्यादा टाइम के लिए यूनिट्स को रखते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स में एग्जेप्शन मिलता है, और टैक्स एग्जेम्प्ट डिविडेंड इनकम, जो आपके डिविडेंड आपको मिलती है तो उसमें टैक्स एग्जेम्प्शन होता है, तो कुछ तरह के जो टैक्स बेनिफिट है वो उसको वो इसमें इन्वेस्टर्स को भी मिलते हैं। तो चलिए यही था आपका यहाँ पे, तो बेनिफिट क्या है स्पॉन्सर्स का, तो स्पॉन्सर्स का क्या सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो है उसको लॉन्ग टर्म का उसमें उसने इन्वेस्टमेंट किया और उसको काफ़ी वो सस्ती पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सोर्स ऑफ फंडिंग वो जनता से भी उसमें ले लेते हैं, उनको काफ़ी टैक्स में बेनिफिट मिलता है। और तीसरा, हैव डाइवर्स सोर्स ऑफ फंडिंग, उसने उसको स्पॉन्सर्स किया फिर बाद में यूनिट्स को प्राइवेट पब्लिक कैसे भी इशू करके आप जो है पेमेंट इसमें ले सकते हैं, और एक तरह से रेगुलर सोर्स ऑफ कैपिटल टू सेक्टर्स, तो अलग अलग सोर्स से जो है कैपिटल इस सेक्टर को मिलती है, कौन से, रियल स्टेट सेक्टर को, और ये सारे जो है स्पॉन्सर्स के बेनिफिट होंगे। ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट होंगे कि हमने वो असेट्स को नहीं ऑन किया, मतलब हमने खरीदा नहीं है फिर भी हम थोड़ा सा पैसा देके उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं, और इसमें हमें कई सारी जगह पर टैक्स नॉर्म्स में कई बेनिफिट मिल जाते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स नहीं लगेगा अगर हम यूनिट्स को 5-3 साल से लंबे टाइम के लिए रखते हैं, ठीक है, और भी कुछ इसमें बेनिफिट्स इसमें मिल जाते हैं। टाइप ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कितने टाइप का होता है, ये पूछ सकते हैं कितने टाइप का होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। रिटेल, रेजिडेंशियल, हेल्थ केयर, ऑफिस, मॉर्गेज, तो ये 5 टाइप का ऐसे बताया हुआ है। तो रियल रिटेल जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वो क्या होता है, रिटेल में क्या होगा कि कम से कम 24% का जो असेट्स है उसको आपको कमर्शियल रिटेल में, जैसे कि शॉपिंग मॉल या रिटेल स्टोर्स, तो वहां पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उसको बोला जाएगा रिटेल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो यहाँ पे जो भी हमारे टोटल असेट्स, मान लीजिए हम 100 रुपये का इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 100 में से 24 रुपये हमें कोई शॉपिंग मॉल या फिर
रिटेल स्टोर, वहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब हम उसको बोलेंगे रिटेल रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। दूसरा आता है रेजिडेंशियल, ये भी ऐसे है कि इसमें जो ट्रस्ट है उनको ज़्यादातर जो है कोई रेंटल अपार्टमेंट बिल्डिंग है या फिर गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, हाउसिंग्स है, मैन्युफैक्चर हाउसिंग, तो वहाँ पे मतलब रेजिडेंशियल्स में जो लोग रहते हैं, रेंटल अपार्टमेंट है, गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, या हाउसिंग है, मैन्युफैक्चर हाउस है जहाँ पे लोग रहें किराए पे और रेंट पे करें, तो रेजिडेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है। तीसरा आता है हेल्थ केयर, इसमें इन्वेस्टमेंट हेल्थ केयर सेक्टर में होगी, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गया, ठीक है, नर्सिंग फैसिलिटीज, रिटायरमेंट होम्स हो गया, मेडिकल सेंटर, तो इस तरह की जगह पे जो है ट्रस्ट जो है इन्वेस्ट इसमें करेगी। चौथा आता है ऑफिस, ऑफिस वाले में क्या होगा, जो ऑफिस स्पेस होगा जहाँ पे ऑफिस ओपन किया जा सके, तो उस तरह की चीज़ों में जो है इन्वेस्ट किया जाएगा। मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है उसमें वही होता है कि जो रेंट है, जो लॉन्ग टर्म के लिए लीज बनाएंगे, जैसे कोई ऑफिस अपना ओपन करते हैं तो जनरली 10-20 लॉन्ग टर्म का जो लीज बनाएंगे, और उससे जो हर महीने रेंट इनकम रिसीव होगी, तो वही जो है ऑफिस वाले रिटेल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का बेनिफिट है। लास्ट आता है आपका मॉर्गेज, मॉर्गेज वाला क्या होता है, मॉर्गेज को आप यहाँ से भी समझ कर सकते हैं, जो नीचे आपको डेफिनेशन दी है, नीचे से इस वाले डेफिनेशन से देखते हैं, फिर आप इसको बेटर वे में समझ पाएंगे। सो मॉर्गेज, REIT यानी कि मॉर्गेज, इसको पहले यहाँ पे समझते हैं रफ रफ जगह पे, फिर इसको ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि मॉर्गेज जो REIT है ये क्या होता है, नॉर्मल जो हमारा रिटेल स्टेट इन्वेस्टमेंट है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। मॉर्गेज वाले को इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें कुछ सिक्योरिटीज़ होती है, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़ इनको बोला जाता है, ठीक है, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़, मतलब ये सिक्योरिटीज़ होंगी और इसको प्रॉपर जो है सपोर्ट मिलेगा, ये भी एक टाइप की सिक्योरिटीज़ है, एक टाइप के आप बॉन्ड बोल सकते हैं, और ये प्रॉपर सपोर्ट होता है कोई रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के द्वारा, ठीक है, मतलब डायरेक्टली हम कोई फिजिकल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे ही बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनको सपोर्ट दिया गया है, या जिसको आप बोलिए कि इट दैट बॉन्ड बैक्ड बाय रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी, ठीक है, वो बॉन्ड जिनको रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी मिली है उन बॉन्ड्स में जो है इन्वेस्ट किया जाता है, तो उसको बोला जाता है मॉर्गेज रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये यहाँ पे समझ गए। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, कम से कम आपको यहाँ पे 10% तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अगर आपके पास 100 रुपये है तो 100 में से 10 रुपये कम से कम आपको मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी में जो है इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मॉर्गेज सिक्योरिटीज, इंस्टेड ऑफ फिजिकल रियल स्टेट। तो इसमें हम फिजिकली कोई शॉप या कुछ मॉल कुछ इस तरह से नहीं खरीद रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज वहाँ पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, कम से कम 10%, तो उसको बोला जाता है मॉर्गेज रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और अगर हम इसकी बात करें कि फंडिंग किस कहाँ कहाँ से जो फंडिंग की जाती है, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फंडिंग, तीन तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है, पहला आता है इक्विटी, दूसरा आता है मॉर्गेज, और तीसरा आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब इन दोनों का मिक्स होगा, तो इक्विटी और रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट, मॉर्गेज और हाइब्रिड। इक्विटी में होगा, दे आर द ओनर ऑफ रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज एंड लीज देम टू कंपनीज और इंडिविजुअल्स टू मेक मनी, तो ये क्या होंगे, ऑनर्स होंगे, और द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रियल्स। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए लोगों से पैसे को जमा किया, उनको यूनिट्स दिए, वो यूनिट होल्डर है, ठीक है, म्यूचुअल फंड की तरह है, और उससे कोई दुकान खरीद ली, अब आप क्या बन गए, ऑनर बन गए, तो ये ऑनर होते हैं रियल इस्टेट जो प्रॉपर्टीज हैं, ऑनर है आप, मतलब एक स्पेसिफिक पर्सन तो नहीं है, लोग बहुत सारे लोग यूनिट है मिलके वो सब ऑनर है, और उनको लीज पे दिया जाएगा उस प्रॉपर्टी को, और फिर जो इनकम रेंटल इनकम जो होगी वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है, एज अ डिविडेंड की फॉर्म में उनको वो रेंटल इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो वो हो गया हमारा रियल इस्टेट, वो हो गया हमारा इक्विटी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। दूसरा आता है मॉर्गेज, मॉर्गेज दे आर नॉट द ऑनर, वो ऑनर नहीं है, बट अर्न थ्रू EMI अगेंस्ट द प्रॉपर्टी फ्रॉम द ऑनर, ये ऑनर नहीं है पर फिर भी ये अर्न कर रहे हैं, अर्न कैसे कर रहे हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन की फॉर्म में। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब होगा कि ये जो इन्होंने एक तरह से बॉन्ड जो खरीदा तो उस पर क्या कर रहे हैं, इनको इंटरेस्ट उसमें मिल रहा है, ठीक है, और ये बॉन्ड पे कर रहे हैं, बॉन्ड किस में पे कर रहे हैं, तो इनको इनको मतलब बेनिफिट किस तरह से हो रहा है, इनको बेनिफिट्स हो रहा है EMI की फॉर्म में, जो कि ऑनर या बिल्डर जो है इनको पे कर रहे हैं, जैसे कि जो मॉर्गेज वाले होते हैं, इसके बारे में हमने देखा था ना कि वो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज जो है बॉन्ड है उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो बॉन्ड या सिक्योरिटी जिसको भी आप देंगे तो वो क्या करता होगा, हर महीने EMI पे करता होगा, ठीक है, और आपका उसमें शेयर है, वो जो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज या जो मॉर्गेज बैक बॉन्ड है, बॉन्ड आपने अगर 10% लिया तो 10% शेयर आपका है, तो वो जो भी EMI वो पे कर रहे हैं तो 10% कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें आपको भी मिलेगा, ठीक है, तो उस तरह से जो इसमें फायदा होता है, जो अर्निंग है वो यही हो रही है कि जो EMI हमें मिल रही है, जो उस घर के ऑनर है या फिर जो बिल्डर है जिन्होंने उसको खरीदा है, तो वो EMI पे कर रहे होंगे, और क्योंकि हमारा 10% उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है उस मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज में, तो 10% हमें भी मिलेगा, तो इस तरह से जो है इसमें अर्निंग होती है। लास्ट का जो हाइब्रिड है, दे इन्वेस्ट इन बोथ इक्विटी एंड मॉर्गेज, तो इनका मिक्सर है, इसमें कुछ ऑनर भी रहेंगे और कुछ क्या होंगे, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज वाले भी होंगे, तो दोनों के मिक्सचर को बोला जाता है हाइब्रिड रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये आपका हाइब्रिड मॉडल यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
तो अगर हम टाइप की बात करें तो 4-5 टाइप दिए। रिटेल जो है उसमें कम से कम जो 24% के असर से उसको कमर्शियल शॉपिंग मॉल या रिटेल स्टोर में इन्वेस्ट करना है, तब आप उसको बोलेंगे रिटेल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रेजिडेंशियल वाले में क्या होगा, रेजिडेंशियल कोई अपार्टमेंट है, कोई बिल्डिंग है, कोई हाउस है, कोई गेटेड कम्युनिटी है। हेल्थ केयर में क्या होगा, जैसे कोई नर्सिंग फैसिलिटी, कोई हॉस्पिटल्स, कोई रिटायरमेंट होम या मेडिकल सेंटर। ऑफिस वाले में क्या होगा कि जैसे कोई ऑफिस स्पेस के लिए जो पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है। मॉर्गेज वाले में क्या होगा कि मॉर्गेज बैक जो सिक्योरिटीज है वहाँ पे कम से कम 10% इन्वेस्ट इस पर करना पड़ेगा। इसमें हम रियल में हम कोई रियल स्टेट को नहीं ऑन कर रहे, हम सिर्फ एक मॉर्गेज बैक्ड जो सिक्योरिटीज है, मॉर्गेज बैक्ड जो हमारे सिक्योरिटीज है या जो बॉन्ड्स है, सिर्फ उन मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज में हम 10% तक का मिनिमम जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। तीन तरह से जो है इसको डिफरेंशिएट किया जाता है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फंडिंग। एक है इक्विटी, दूसरा है मॉर्गेज और तीसरा हाइब्रिड। इक्विटी में क्या होगा, हम रियल ऑनर होंगे, मतलब पैसे को जमा किया जाएगा और उससे रियल में शॉप खरीदी जाएगी और फिर उससे जो रेंटल इनकम आएगी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मॉर्गेज में ऐसा नहीं है, मॉर्गेज में हम ऑनर नहीं है, लेकिन मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज में हमारा शेयर है। तो जो भी इनकम होगी, जो भी ईएमआई हमें घर के ऑनर जिन्होंने घर खरीदा है या फिर जो भी बिल्डर होंगे, तो उनकी ईएमआई के फॉर्म में जो हमें फायदा मिलेगा वही इसमें अर्निंग का सोर्स है। हाइब्रिड इन दोनों का मिक्सर इसमें रहेगा। नेक्स्ट साइड का था डिफरेंस बिटवीन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड और जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है इनमें आपस में क्या डिफरेंस है, तो उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो देखा जाए तो ये काफ़ी सिमिलर है क्योंकि दोनों में लिक्विडिटी भी काफ़ी है और सस्ता तरीका जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डाइवर्सिफाइड एरिया में। दोनों में ऐसा होता है और दोनों में आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलता है, ठीक है, और कैपिटल एप्रिसिएशन मिलती है मतलब टाइम के साथ। और जो रियल इस्टेट है इसमें क्या हो रहा है कि रियल इस्टेट जो फंड होते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज़ में जो कि आप वरना आप नहीं खरीद पाते। मतलब कोई प्रॉपर्टीज़ अगर आप खरीदना चाहें तो 1 करोड़ बहुत महंगी वो होगी, लेकिन अगर आप रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे तो आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। तो जो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड कैन इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट टू ऑफर बेनिफिट टू इन्वेस्टर्स मेकिंग, तो इसमें वही हो रहा है जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में हमने देखा ना कि इसमें प्रॉपर्टीज़ को जो है इकट्ठा लोगों से पैसे को इकट्ठा किया जा रहा है, किसी प्रॉपर्टीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस तरह से काम कर रहा है। तो इसमें छोटे से छोटे अमाउंट से भी शुरुआत की जा सकती है रियल एस्टेट में। हमें कोई प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करें तो हमें पूरा प्रॉपर्टी खरीदने का जरूरत नहीं, कुछ हम यूनिट्स की फॉर्म में जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में भी ऐसे ही होता है कि लोगों से सबसे पैसे को लिया जाता है और उसके पैसे को डेब्ट फंड में या फिर कहीं सिक्योरिटीज़ में या गोल्ड में यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। तो सेम एक ही कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस भी है। डिफरेंसेस क्या है कि जो रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड होते हैं आपके, उसमें जो है वाइडर डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलती है। जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसमें उतना डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड है उसमें काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलती है। और दूसरा इसमें डिफरेंस ये है कि मान लीजिए कभी इन्फ्लेशन का टाइम आ गया, तो इन्फ्लेशन में चीज़ें महंगी हो जाएगी, तो महंगी होने से रेंट भी बढ़ जाता है। तो जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें ग्रोथ देखने को मिलती है क्योंकि रेंट ये सब बढ़ जाता है, तो इससे अच्छा रिटर्न मिलता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को। क्योंकि उनका जो इन्वेस्टर्स है जो REIT में जिन्होंने इन्वेस्ट किया, तो उनको पैसा कहाँ से मिलता है, डिविडेंड वही जो रेंट है उसी को ही आपस में डिविडेंड के फॉर्म में बांट लिया जाता है। तो इन्फ्लेशन आएगी तो उसमें बेनिफिट रहेगा, और उसमें लिखा भी है क्योंकि जो है इसमें डिविडेंड को हर पर्सन में जो शेयर होल्डर है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पर इतना ज़्यादा बेनिफिट्स आपको गोल्ड या बाकी जगहों पे अगर आपने सिक्योरिटीज़ में शेयर्स में देखा तो उसमें उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो है बेनिफिट अमाउंट जो है आप बोल सकते हैं ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दैट, एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। और दूसरा है कि म्यूचुअल फंड में जो है वैरायटी ज़्यादा देखने को मिलती है, काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन, मतलब उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है। बट रियल एस्टेट में 2-4 चीज़ें हैं, दुकान मकान इस तरह की कुछ चीज़ें, रेजिडेंशियल में कितनी चीज़ें आ जाएंगी, कुछ ही चीज़ें हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते हैं। बट म्यूचुअल फंड वाले में ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं, तो यही उसमें डिफरेंस आपका हो गया, ठीक है। डिफरेंस में क्या देखा, पहले हमने यहाँ पे कॉमन चीज़ों की बात की। कॉमन क्या है, दोनों एक ही तरह से काम करते हैं कि दोनों में लोगों के पैसे को इकट्ठा किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। रियल एस्टेट वालों में रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया जाएगा, मकान दुकान इस तरह की चीज़ों में, और आपका म्यूचुअल फंड है तो उसमें डेब्ट इक्विटी गोल्ड या उनके हाइब्रिड ऐसी जगह पर जो है इन्वेस्ट किया जाएगा। ये तो कॉमन बातें होगी। डिफरेंस क्या, डिफरेंस पहला डिफरेंस यही बोला है कि जो रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड है उसमें कई सारे ऑफर्स, कई सारा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है, बट जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसमें उतना डाइवर्सिफिकेशन देखने को नहीं मिलता। अगर इन्फ्लेशन आ जाता है, चीज़ें बहुत महंगी होती है, तो जो रेंट ठंड है ये भी काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है। बट रिटेल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन जो आपका नॉर्मल है म्यूचुअल फंड उसमें इतना बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन रिटेल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सो इसके फायदे और नुकसान की बात करते हैं। पहले फायदों की बात करते हैं कि जैसे आपने या हम मैंने किसी ने भी अगर इसमें इन्वेस्ट किया तो हमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो इन्वेस्टर्स के फायदों की बात करेंगे। पहली बार डाइवर्सिफिकेशन, रिटेल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अलाउड इन्वेस्टर टू डाइवर्सिफाई। तो जो आपने कहीं पे इन्वेस्ट किए तो आपके पास एक और ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आपने ऑलरेडी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तो आपके आपके पास इन्वेस्टमेंट में एक और ऑप्शन मिल जाता है, तो आपके इन्वेस्टमेंट को ये डाइवर्सिफाई करता है। और इसमें भी आपको कई सारे ऑप्शन है, रियल स्टेट
और वहां पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और विदाउट इसके लिए आपको कोई घर या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें आपका जो ऑप्शन है इन्वेस्टर्स का ऑप्शन को डाइवर्सिफाई करता है, मतलब ऑलरेडी आपने इक्विटी में, शेयर्स में, डेब्ट में, गोल्ड में वहां पे इन्वेस्ट किया होगा ऑलरेडी, एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो ये डाइवर्सिफिकेशन को आपकी बढ़ाता है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग तरीके की, एक अलग एक नया ऑप्शन मिल गया अलग से, तो इसलिए इसको डाइवर्सिफाई वर्ड यूज किया गया। दूसरा स्मॉल इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसमें आपको इन्वेस्ट करना तो ज्यादा पैसे का जरूरत नहीं है, अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं तो 15,000 से मतलब शुरू कर सकते हैं। अगर मान लीजिए रियल में आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो टिकट साइज बहुत हाई है, 1 करोड़ इतना हाई अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर REIT के थ्रू इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो 15,000 बहुत है, 1 यूनिट का कीमत कम से कम 15,000 रहता है, तो स्मॉल अमाउंट से आप जो है बेनिफिट इसमें काफ़ी कमा सकते हैं। तीसरा आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इसमें REIT में किसको, ये जो ट्रस्ट है वो एक प्रॉपर मैनेजर अपॉइंट करती है, ठीक है, वही सारा कुछ मैनेज करता है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है नहीं करना, और इससे जो भी ऑपरेशन है और बाकी चीज़ें बहुत ही स्मूथ वे में काम करती है, तो जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनल वे में इसमें किया जाता है। चौथा था रेगुलर इनकम जनरेशन, जो REIT होते हैं रिटेल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसमें देखा जाता है कि जो इनकम है वो कहाँ से, रेंटल से आती है, ठीक है, और 90% जो भी इनकी इनकम होती है तो वो मैंडेटरी होता है कि 90% जो है इनकम जो उसके इन्वेस्टर्स उसमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ये फिक्स होता है, तो इसमें जो है एक रेगुलर इनकम हमेशा मिलती रहती है। नेक्स्ट हेडिंग आपका कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का मतलब जिस रेट पे आपने खरीदा, जैसे मान लीजिए आप सभी ने पैसे मिला के एक इसके थ्रू, ट्रस्ट के थ्रू, REIT के थ्रू कोई बिल्डिंग, कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी, ठीक है, कमर्शियल कोई प्रॉपर्टी, कोई दुकान है, उसका रेट भी तो बढ़ता रहेगा, ठीक है, तो जितने यूनिट्स आपने होल्ड की फ्यूचर में उस यूनिट्स का वैल्यू जो है बढ़ जाएगा, तो वही बोला है कैपिटल गेन इसमें होता है। ये लिस्टेड होते हैं और स्टॉक मार्केट में प्रॉपर इसकी ट्रेडिंग की जाती है, और इसका जो प्राइस है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो उसका प्राइस भी जो बढ़ेगा, इसकी मतलब डिमांड बढ़ेगी, तो वो प्रॉफिट रेट पे आप उसको बेचेंगे। मान लीजिए 1 यूनिट आपने खरीदा शुरुआत में 15,000 में, ठीक है, अच्छे से अच्छा खासा रेंट मिल रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, कोई प्रॉपर्टीज के रेट काफ़ी हाइक कर जाते हैं, कोई ऑफिस ऐसे एरिया में जो कि बहुत ज़्यादा फेमस एरिया है, ठीक है, काफ़ी हाइक कर गए उस प्रॉपर्टी के रेट, तब क्या होगा कि जो 15,000 आपने 1 यूनिट खरीदा उसकी कीमत 30,000, 40,000 बहुत हाई अमाउंट हो सकता है, और जब आप उसको बेचोगे तो आपको अच्छा खासा इसमें मुनाफा मिलेगा, तो इसमें कैपिटल गेन का भी आपको चांस रहता है, ठीक है। तो ये सारे जो है बेनिफिट्स हैं इसमें इन्वेस्ट करने के, इसके लेकिन कुछ लॉसेस भी हैं या डिसएडवांटेजेस आप बोल सकते हैं। पहला, लिमिटेड ऑप्शंस, उतने सारे ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया की बात करें तो कुछ ही रिटेल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडिया में नहीं है, 2017-18 में इसकी शुरुआत हुई, तो बहुत सारे ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है, तो इतनी ज़्यादा चॉइसिस नहीं है, कुछ ही कंपनीज अवेलेबल है, तो उन्हीं में इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना पड़ता है। दूसरा, लो लिक्विडिटी, क्योंकि अभी भी ये लिस्ट हुए, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है इंडिया में, और स्टॉक मार्केट में ट्रेड हुए हैं, तो जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, अभी आपने शायद ही सुना होगा कि कोई बोले कि मैंने REIT में इन्वेस्ट किया, मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट्स कम है, अब जब मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कम है तो लिक्विडिटी भी कम है, ठीक है। लिक्विडिटी कम कैसे है, क्योंकि जैसे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो आप बेच के फटाफट से नहीं जा सकते, अगर आपने एक REIT की यूनिट्स होल्ड की भी है, और मतलब इसमें आपको चैलेंज हो सकता है, कभी इमरजेंसी में अगर आप चाह रहे हैं कि REIT को बेच के हमें पैसे मिल जाए तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो ये इसका एक डिसएडवांटेजेस ये भी इसमें हो गया। फिर तीसरा बोला है कि एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन REIT कंपेयर टू डायरेक्टली इन्वेस्टिंग, तीसरा फायदा कि तीसरा बोल रहा है कि अगर आप रिटेल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा फायदेमंद है, अगर आप डायरेक्टली रियल स्टेट में कर रहे हैं तो उसके फायदे की बात की गई है। पहला, अगर आप REIT में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, अगर आप डायरेक्ट कोई घर खरीद रहे हो तो आपको 1 करोड़ चाहिए होगा, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ 15,000 ही चाहिए होगा, तो इतना कैपिटल इंटेंसिव नहीं है। दूसरा, ईजी है, घर खरीदेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी, अगर आप लोन ले रहे हो तो लोन प्रोसेस भी बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन इसमें बहुत ईजी है और आप आसानी से ईजिली जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप रियल स्टेट कोई घर ले रहे हो उसके कंपैरिजन में, और इसमें जो लिक्विडिटी रिस्क है वो भी काफ़ी कम है। जैसे मान लीजिए लिक्विडिटी रिस्क मतलब जैसे कि प्रॉपर जो आपने घर लिया हुआ है, मान लीजिए 1 करोड़ का वो घर है, ठीक है, तो अभी 1 करोड़ का घर आपने लिया, अगर आप उसको बेचने जाएंगे तो लिक्विडिटी आप इतनी आसानी से उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत इजीली आपको बायर नहीं मिलेगा जो कि उस रेट पे हो, लेकिन आप REIT के स्मॉल यूनिट होल्डर, जैसे 15,000 का हमने 1 यूनिट लिया हुआ रिटेल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का, तो फटाफट से उसको बेच सकते हैं। अगर कंपेरिजन किया जाए REIT में भी लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, पर अगर हम कंपेयर करें रियल स्टेट के कंपेरिजन में तो ज़्यादा है, बेटर है, और जो REIT इसको प्रॉपर से भी इसको रेगुलेट करता है, तो इसमें फ्रॉड के चांसेस बहुत ही कम है, इसीलिए REIT थोड़ा सा बेटर है, और काफ़ी चीज़ें इसमें ट्रांसपेरेंट रहती है, क्योंकि सारा कुछ जो डेटा है वो सेमी एनुअली डिस्क्लोज किया जाता है, तो इसमें जो चीज़ें काफ़ी ट्रांसपेरेंट होती है, तो इस वजह से ये जो REIT है इसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू रियल स्टेट में डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट इन्वेस्ट करने से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फायदे और नुकसान की बात की, फायदे क्या है अगर REIT, पहला बात है डाइवर्सिफिकेशन, ऑलरेडी आपके पास आपने अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया है, इक्विटी, गोल्ड, डेब्ट, तो आपको एक और भी ऑप्शन मिल जाएगा REIT के थ्रू, तो आपका डाइवर्सिफाई करता है आपके पोर्टफोलियो को। दूसरा, स्मॉल इनिशियल इन्वेस्टमेंट,
शुरुआत में अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ 15,000 है, तो आप एक यूनिट खरीद सकते हैं, ठीक है, तो बहुत इजीली कम अमाउंट से आप शुरू कर सकते हैं। तीसरा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इसमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कोई रेजिडेंशियल प्लॉट में, सॉरी रेजिडेंशियल घर, कोई रेजिडेंशियल हाउस, कमर्शियल हाउस, कोई दुकान, किस जगह पर इन्वेस्ट करना है, तो एक प्रॉपर मैनेजर जो है प्रोफेशनल वे में उसको मैनेज करता है, तो हमें इसका ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। रेगुलर इनकम, तो जितना भी इसको इनकम होती है रेंटल के थ्रू या किसी और सोर्स के थ्रू, तो 90% अमाउंट मैंडेटरी है कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा फायदा है कि 90% अमाउंट डिविडेंड की फॉर्म में हमें मिल रहा है, तो एक रेगुलर इनकम सोर्स भी ये हो जाता है। नेक्स्ट आता है कैपिटल गेन, जितना यूनिट होल्डर हमने लिया है तो उसका वैल्यू अप्रिशिएट करता है, जैसे डिमांड उसकी बढ़ेगी, जो भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसका रेट भी बढ़ेगा, ठीक है, तो हमारी जो कैपिटल है वो गेन होगी, यानी कि अगर हम शुरुआत में 15,000 लेके हमने एंटर की थी तो बाद में हमें 30,000, 40,000, कितने भी अमाउंट का जो है रेट, बड़ा हुआ रेट मिल सकता है, तो ये सारे जो है इसमें फायदे, इसके कुछ नुकसान भी है। इसमें इतने ऑप्शंस नहीं है, इंडिया की अगर हम बात करें कुछ ही फ्यू रिटेल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, तो ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। दूसरा, लिक्विडिटी भी कम है, क्योंकि अभी इतने सारे मार्केट में इतने लोग नहीं है जो कि इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स कम है, जिसकी वजह से इसमें लिक्विडिटी कम है। नेक्स्ट, REIT में इन्वेस्ट करना बेनिफिट है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या है। पहली बात, अगर आप डायरेक्ट रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप इसमें कर रहे हैं तो 15,000 से काम चल जाएगा, ये तो सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा, ईजी है REIT के जो, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करें तो बहुत ईजी है एक रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने से। तीसरा, इसमें लिक्विडिटी थोड़ी ज़्यादा है अगर कंपेयर करो तो रियल स्टेट से, रियल स्टेट में लिक्विडिटी बहुत ही कम है, लिक्विडिटी रिस्क भी इसमें ज़्यादा है, मतलब अगर आपको लिक्विडिटी जो है रिस्क इसमें ज़्यादा झेलनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू REIT। इसको सेबी रेगुलेट करता है और फ्रॉड के चांसेस बहुत कम है, और इसमें सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, मतलब कुछ भी इसमें हिडन इस तरह का नहीं रहता है। जैसे रियल स्टेट में आप किसी ब्रोकर के तहत भी जा रहे हो तो हमें नहीं मालूम ब्रोकर अपना बीच में कितना कमीशन ले रहा है, 10%, 20%, किसी केस में बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन इसमें सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो रही है, तो हमें इस तरह का कोई इश्यूज़ में नहीं होता है। इसके साथ नेक्स्ट आपको एक कंपेरिजन बता रखा है कि किस तरह से ये काम करता है रिटेल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, और अगर आप डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी ऑन कर रहे हैं, ठीक है, कोई डायरेक्ट आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ये तो है ट्रस्ट के थ्रू आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और तीसरा है रियल इस्टेट कंपनी इक्विटी, कुछ कंपनीज होती है जो कि रियल इस्टेट के शेयर्स बांटती है। और चौथा है कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी बॉन्ड, कुछ कंपनीज है जो कि कॉर्पोरेट बॉन्ड बांटती है, तो चारों में डिफरेंस बताया है। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इसमें जो है लिस्टेड ट्रस्ट के थ्रू इसमें इन्वेस्ट किया जाता है, इसमें फिजिकल रियल इस्टेट, मतलब आपको खुद से कोई प्रॉपर्टी, कोई मकान, घर कुछ खुद से खरीदना, और 1 करोड़ कम से कम आपको चाहिए होगा अगर आप एक अच्छे एरिया में ले रहे हैं। इसमें कंपनी है जो कि कौन सी कंपनी होगी, रियल इस्टेट कंपनी होगी, और वो शेयर्स इशू करेगी, और इसमें जो कंपनी है रियल इस्टेट कंपनी उसके द्वारा डेप्ट इशू किए जाएंगे। शेयर्स और डेप्ट में क्या डिफरेंस है, शेयर अगर आपने 1% लिया तो आप 1% एक तरीके की कंपनी के ऑनर है, डेप्ट में ऐसा नहीं, आपको फिक्स इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम, जो भी आपने लोन के तौर पे जो डेप्ट दिया है कंपनी को, तो आपको एक फिक्स परसेंट, जैसे 7%, 8% उतने का बेनिफिट मिलेगा, आप इसमें ऑनर नहीं होते। तो चार तरह से हो गया, एक तो हमने ट्रस्ट की फॉर्म में यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ, एक हमने खुद से अपनी प्रॉपर्टी खरीदी थी रियल में, तीसरा हमने कंपनी के शेयर्स के थ्रू इन्वेस्ट किया हुआ, चौथा कंपनी के बॉन्ड के थ्रू, तो चारों में डिफरेंस बताया हुआ। ये पहला हमारा टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। पे आउट, किस से पेमेंट मिलती है, मेजोरिटी ऑफ टैक्सेबल इनकम पेड टू यूनिट होल्डर, तो ज्यादातर जो इनकम है ट्रस्ट में, आपने देखा कि 90% तक का इनकम बंटवारा हो जाता है, तो जितनी जो इनकम हो रही है किराए के थ्रू कैसे भी, तो वो पूरा मिल जा रहा है, मेजोरिटी ऑफ इनकम इसमें मिलेगी। इसमें भी ऐसे ही आप खुद ऑनर है प्रॉपर्टी के, तो अगर आपने कुछ उसको लीज पे लगाया कुछ भी, तो पूरा जो पैसा आपको मिल ही जाता है। तीसरा, इसमें डिविडेंड पे होती है, अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर लिए हुए आपने किसी रियल स्टेट के, तो आपको इसमें डिविडेंड मिलेगा, और इसमें एक फिक्स इंटरेस्ट रहेगा, जैसे 7%, 8%, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड है, और बॉन्ड और शेयर्स में आप डिफरेंस जानते हैं, बॉन्ड में एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, पर इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें डिविडेंड की फॉर्म में आपको पेमेंट मिलेगी। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, ये फोकस्ड होता है चीज़ों को फोकस करके कि हाँ यहाँ करना है, प्रॉपर मैनेजर होंगे वो फोकस की फॉर्म में होगा, अगर आप ऑनर है तब भी आप फोकस एक्टिविटी में करते हैं। इसमें जो इन्वेस्टमेंट चॉइस है, कंपनी है तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना, और यहाँ पर भी वैसे ही बोर्ड के डायरेक्टर के द्वारा क्या बोला जा रहा है, कहाँ इन्वेस्ट होगा, तो वहीं पर इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। तीसरा, लिक्विडिटी, ये लिक्विड है, अगर हम कंपेयर करें तो ये लिक्विड है, पर अगर आपका खुद का घर है तो उतना लिक्विड नहीं है, आपको प्रॉपर्टी को बेचने के लिए मार्केट में काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं, इतना ईजिली नहीं बिकता है, तो ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। शेयर्स को आप आसानी से मार्केट में बेच के खरीद के कभी भी जा सकते हैं, ये लो लिक्विड है। बॉन्ड को अगर शेयर से कंपेरिजन करें तो कम लिक्विड है। डाइवर्सिफिकेशन, ये आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है, ये इतना नहीं है, ये कंसंट्रेशन है, और ये भी डाइवर्सिफिकेशन, और ये भी आपका कंसंट्रेशन है। और रिस्क इसमें कम है, इसमें भी, इसमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क है, और इसमें जो है ज़्यादा रिस्क है, और इसमें भी कम रिस्क है। ये जो बॉन्ड है इसमें रिस्क कम है, और जो REIT इसमें भी रिस्क कम है, लेकिन अगर आपने घर लिया है तो उसमें रिस्क ज़्यादा है, और अगर आपने कंपनी के शेयर होल्डर लिए तो उसमें रिस्क ज़्यादा है, अगर कंपनी डूबेगी तो सारा पैसा डूबेगा। इसमें भी घर के ऊपर ही है कि घर आपने लिया, घर की कीमत बहुत डाउन होगी तो आप ही को सारा का सारा लॉस फेस करना पड़ेगा। इसमें रिस्क कम क्यों है, इसमें रिस्क कम इसलिए क्योंकि जो है ट्रस्ट की फॉर्म में हमारा इतना पैसा नहीं लगा, और वो डाइवर्सिफाई हो जाता है क्योंकि कई सारे मेंबर्स और भी है, तो आपस में बढ़ जाता है। गियरिंग, गियरिंग का मतलब होता है कि
गियरिंग रेशो की अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है ओन इक्विटी, मतलब खुद का पैसा कितना है डिवाइडेड बाय कितना हमने बोरोइंग ले रखा है, तो उसको बोला जाता है गियरिंग रेशो। तो इसमें जो है गियरिंग इज लिमिटेड बाय रेगुलेशन, तो प्रॉपर रेगुलेट करती है सेबी, तो उसके द्वारा कितना खुद का फंड होना चाहिए और कितना बोरोइंग होना चाहिए, तो उसको रेगुलेटर रेगुलेट करता है। इसमें गियरिंग रेशो ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि सारा पैसा खुद से लगाना है, 70 से 80% जो पैसा खुद से लगाना है, तो इसलिए हाई गियरिंग रेशो इसमें होता है। और इसमें 60 to 70% है, क्योंकि कंपनी ज़्यादातर अपना ठीक ठाक ही गियरिंग रेशो रखती है, तो 60 to 70% होता है, इसमें मॉडरेट रहता है। तो गियरिंग क्या हो गया? ऑनर कितना पैसा लगा रहा है डिवाइडेड बाय बोरोइंग, कितना वो बोरोइंग कर रहा है। मान लीजिए कोई कंपनी है आपकी और आप शेयर्स इशू कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, तो उसमें आपने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कितना दिया और कितना आपने मार्केट से शेयर इशू करके जो है कोई कंपनी कोई भी एक्टिविटी करती है, तो उसका गियरिंग रेशो कैसे पता लगेगा? कंपनी का खुद का फंड डिवाइडेड बाय उसने शेयर्स इशू किए हैं, या फिर उसने बॉन्ड या कुछ भी इशू करके जो है उसने पैसे को बोरोइंग से पूरा किया। तो सिंपल हमारा ऑनर का खुद का फंड कितना है डिवाइडेड बाय बोरोइंग, उसको बोला जाता है गियरिंग रेशो। तो इसमें गियरिंग रेशो जो है सेबी रेगुलेट करता है, इसमें अच्छा खासा गियरिंग रेशो होता है। होता है क्यों? क्योंकि ऑनर का फंड काफी ज्यादा, अगर आप खुद से कुछ खरीदे तो 70 से 80% आपका अपना कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, जो कंपनी है तो उसमें 60 to 70%, और जो डेप्ट इशू कर रही कंपनी तो उसमें मॉडरेट इसमें रहता है। तो ये कंपेरिजन है ये आपके समझने के लिए, बट इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में इसको लेकर ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, तो सिंपल है, शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। चार है, एक तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, या हमने खुद से ओनरशिप लिए, खुद से कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई मकान खरीद लिया या इस तरह से, और उसको किराए पर चढ़ा दिया। तीसरा, कंपनी जो है वो शेयर्स इशू कर रही है, कौन सी रियल एस्टेट कंपनी जो है वो खुद से शेयर्स इशू कर रही है और वो बॉन्ड इशू कर रही है। तो चार तरह की कैटेगरी ये हो गई। पे आउट, इसमें ज़्यादातर पेमेंट हमें मिल जाती है, क्योंकि 90% तक का जो अमाउंट है ये पे कर देते हैं, जो ट्रस्ट है जो भी इनकम होती है किराए से किसी से, तो 90% जो है आपस में बांट दिया जाता है, तो अच्छा खासा इसमें इनकम हो जाता है। और इसमें अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी तो ज़्यादातर आपको खुद को ही मिल जाएगा। तीसरा जो है, डिविडेंड दिया जाता है शेयर होल्डर को इसमें, और इसमें फिक्स इंटरेस्ट पे की जाती है। इसमें दोनों में फोकस एक्टिविटी होती है, और इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, क्योंकि कंपनी से तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिसीजन से ही सब कुछ फाइनल इसमें किया जाता है। और लिक्विडिटी की बात करें तो, क्योंकि ये जो है इसमें ठीक ठाक ऑप्शन रहता है कि आप उसको बेच के जा सकते हैं, इसमें इलिक्विड इसको बोला जाता है। कंपनी है तो शेयर्स को भी आप लिक्विड बोल सकते हैं, पर कंपेरेटिवली कम लिक्विड है बॉन्ड की अगर आप बात करते हैं। डाइवर्सिफाइड, ये काफ़ी डाइवर्सिफाई, कई सारे ऑप्शन रहते हैं, पर इसमें इतना डाइवर्सिफिकेशन देखने को नहीं मिलता। कंसंट्रेशन है, मतलब घर प्रॉपर्टी मकान, ज़्यादा इसमें ऑप्शन आपके पास नहीं है। ये भी डाइवर्सिफाइड होता है और ये थोड़ा कंसंट्रेशन रहता है। रिस्क इसमें कम है, क्योंकि कई सारे आपस में बढ़ जाते हैं, इसमें रिस्क ज़्यादा है, अगर पैसा जाएगा तो अच्छा खासा डूबेगा। और इसमें भी आप ऑनर है, दोनों केसेस में आप ऑनर है तो वहाँ पर आपका रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। इसमें भी आप डायरेक्ट ऑनर है, और अगर आप शेयर होल्डर है तो कंपनी का डायरेक्ट एक तरह से आप ऑनर है, अगर लॉस होता तो आपको अच्छा खासा लॉस होगा। तो इसीलिए इन दोनों केसेस में रिस्क ज़्यादा और बाकियों में रिस्क कम है। गियरिंग रेशो की बात करते हैं, गियरिंग होता है कि ऑनर का फंड डिवाइडेड बाय बोरोइंग। तो गियरिंग रेशो सबसे ज़्यादा जो है इसमें कंट्रोल करता है रेगुलेटर, सेबी इसको कंट्रोल करता है। इसमें गियरिंग रेशो 70 to 80% है, इसमें जो है 60 to 70%, और इसमें गियरिंग रेशो मॉडरेट रहता है। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है, टैक्सेशन गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टर्स ऑफ रिटेल, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसको लेके कौन कौन से टैक्सेशन गाइडलाइंस है। तो या तो दो ऑप्शंस होंगे, या तो आपको डिविडेंड मिलेगा हर महीने, कुछ भी महीने क्वार्टरली रेंट की फॉर्म में आपको पेमेंट मिल रही है, या फिर कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कब होगा? आपने मान लीजिए शुरू में एक यूनिट रखा, उसका वैल्यू कितना था? एक यूनिट लिया रखा आपने रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का, उसका वैल्यू था 15,000 से शुरू किया, 2-3 साल हो गया और उसका वैल्यू बढ़ के 15 से कितना हो गया, 30 या 40 हज़ार हो गया। और उसका रेट कैसे बढ़ गया? रेट ऐसे बढ़ा कि जब आपने शुरू में कोई दुकान खरीदी, मान लीजिए उस दुकान की कीमत थी 1 करोड़, 10 लोगों ने खरीदी, 2-3 साल में दुकान की कीमत बढ़ के होगी 2 करोड़। तो यानी जितना जितना आपने रखा था उसका वैल्यू डबल हो गया। पहले मान लीजिए 10 दोस्तों ने 10-10 लाख मिला के इसको खरीदा होगा, लेकिन अब दुकान की कीमत 2 साल में 2 करोड़ हो गई है। तो वो जो 10 लाख आपने खरीदा, अब आपको क्या था, 20 लाख का आपका वैल्यू हो गया। तो जब आप बेचेंगे तो 20 लाख में जाएंगे, तो 10 लाख आपने लगाया था और 20 लाख में आप उसको बेच के जा रहे हो, तो आपको क्या हुआ, कैपिटल गेन हुआ। तो इस तरह से जो है इसमें कैपिटल गेन होता है। और डिविडेंड मतलब हर महीने हमें रेंट मिल रही है, और हमने देखा कि इसमें जो रेंट होती है वो आपस में बांट दी जाती है। ठीक है, जितने भी उसके शेयर यूनिट होल्डर है उनको आपस में बांट दिया जाएगा, तो वो क्या है, डिविडेंड है। तो दो फॉर्म में इसमें कमाई की जाती है। तो डिविडेंड में यही बोल रहा है कि जो डिविडेंड है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो वो पूरा टैक्सेबल रहता है, और कंप्लीटली टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ इन्वेस्टर्स। और मतलब जो भी आप इसमें जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा ना, तो उसको आपके एनुअल इनकम में जोड़ दिया जाएगा, और फिर जो भी आपका टैक्स स्लैब होगा उसके हिसाब से आपको उसमें पेमेंट करनी होगी। तो इस तरह से जो आपको टैक्स इसमें पे करना पड़ता है। कैपिटल गेन है तो उसमें दो तरीके होंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा शॉर्ट टर्म है कौन सा लॉन्ग टर्म है, वो भी आपको दिया। जो शॉर्ट टर्म होगा, अगर आपने होल्डिंग को 1 साल या उससे कम टाइम के लिए रखा होगा, 1 साल या उससे कम टाइम के लिए अगर आपने जो है यूनिट होल्ड किए होंगे, उसके 1 साल के अंदर अंदर उसको बेच दिया होगा, तो उसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे, और उस केस में आपको 15% देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपने यूनिट सेल की तो उसका 15% आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसमें पे करना पड़ेगा।
लॉन्ग टर्म कब होगा? अगर 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए आपने रखा है, ये लेस देन 1 ईयर, लेस देन इक्वल टू 1 ईयर, और ये मोर देन 1 ईयर। अगर 1 साल से ज्यादा के लिए आपने यूनिट्स को रखी होगी तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। कितना ये होगा? 10%। तो जितना भी अमाउंट है इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा जितना भी आपका अमाउंट होगा उसका आपको 10% पे करना पड़ेगा, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख विद नो इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। तो ये आपका यहाँ पे टैक्सेशन को लेके हो गया कि किस तरह से जो टैक्सेस में पे करना पड़ता है। तो दो है, एक डिविडेंड में और कैपिटल गेन में टैक्स पे करना पड़ता है। डिविडेंड मतलब हर महीने हमें रेंटल इनकम के फॉर्म में जो भी हमारे को डिविडेंड पे किया जा रहा है आरईआईटी के द्वारा, तो वो हमारे को डिविडेंड की वो हमारी डिविडेंड होती है। तो उसमें हमें कैसे पे करना पड़ता है? डिविडेंड को आपकी इनकम माना जाएगा और आपकी जो नॉर्मल इनकम होगी उसमें ऐड कर दिया जाएगा, और फिर आप जिस टैक्स स्लैब में आएंगे आपको सबसे पे करना पड़ेगा। कैपिटल गेन में कैसे टैक्सेशन होगी? दो तरह से होगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में लगता है 15% ऑफ कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म में लगता है 10%। पर डिसाइड कैसा होगा? टाइमिंग के हिसाब से। अगर 1 साल और उससे कम टाइम के लिए आपने होल्ड किया यूनिट्स को तो उसको बोला जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 1 साल से ज्यादा तो आप उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म में 15% आपको पे करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म वाले में 10% पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके साथ ये जो चैप्टर है यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? एक तो ये जो टैक्सेशन वाला टॉपिक था ये इंपॉर्टेंट था, अभी तक हमने जो पढ़ा ये वाला टॉपिक, और ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने रिवाइज किया था क्योंकि था सिलेबस है, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फायदे भी पूछ सकता है कि फायदे नुकसान क्या है, ये वाला टॉपिक भी आप इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। और इसके बाद टाइप्स, ठीक है, कितने टाइप्स के हैं ये इंपॉर्टेंट था, और ये जो बेनिफिट्स है इसका ज्यादा, और ये डायग्राम है, डायग्राम को आपको शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि क्या है और इसका डेफिनेशंस। ठीक है, हिस्ट्री हिस्ट्री ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। चलो ये हो गया, पार्ट टू से इसके आगे के टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और यहाँ से हम लोग पार्ट टू डिस्कस करेंगे, रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉर आरईआईटी। यहाँ से हम लोग पार्ट टू में डिस्कस करेंगे, इसे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।